हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, प्रीव्यू आपने वीडियो देखा तो गाइस, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह की लिरिक्स इफेक्ट वाली, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसका एक्सएमएल या प्रीसेट आपको अगर चाहिए तो सेम प्रोसेस मैं हर बार जैसे मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक्सएमएल टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी, आप या तो प्रीसेट यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या टेलीग्राम पे जाकर एक्सएमएल यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल में हर रोज आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक्सएमएल जो टेक्स्ट का एक्सएमएल होता है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे आप टेलीग्राम पे जाकर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्रीसेट एक्सएमएल अगर आप लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना आता है तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो उस वीडियो को देख कर अभी आप सीख सकते हैं कि एक्सएमएल या प्रीसेट कैसे यूज करते हैं। अभी के लिए फुल एडिटिंग में बताता हूँ, आप चाहे तो फुल एडिटिंग देख कर भी एडिटिंग कर सकते हैं, काफ़ी ईजी स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्लस के में टाइप कीजिए, 900 का रेसो सेलेक्ट कीजिए, रेजुलेशन 10 से रखिए, फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। देन मीडियम जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना फोटो यहाँ पे ले लेना है। तो जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पिन फाइल में आ गया, यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटो देख सकते हैं, अभी तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब जो बसंत पंचमी या रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग एडिटिंग चल रहा है, तो ज़्यादा फोटो उसी के अकॉर्डिंग है, बट फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे फोटो है। तो इसमें से तब तक के लिए कोई सा भी फोटो एक ले लेते हैं जिसमें मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो ये सब तो रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग है, नॉर्मली कोई कपल फोटो ले लेते हैं जिसपे हम एडिटिंग आसानी से कर सके, अच्छा से लगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। फोटो यहाँ पे देखते हैं, फुल स्क्रीन में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन कर लेंगे तो थोड़ा बहुत जो कट रहा होगा तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के में टैप कीजिएगा, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, फिर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ड्यूल कलर को सिलेक्ट करना है और ये बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। देन यहाँ पे इस तरह से सेंटर में आ जाना है, ठीक है, इस तरह से आप रख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला है तो इसे आपको यहाँ से ट्रांसमिट कर देना है, और जी आप जो व्हाइट वाला है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कर देना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे नीचे डार्क जैसा यहाँ पे देख सकते हो, फोटो का आप देखे फोटो कैसा था, अभी कैसा हो गया, काफी अच्छा हो गया। नीचे में मेरे फोटो में लोगो था वो भी गायब हो गया, अभी काफी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम एडिटिंग करेंगे तो प्लस का आइकन टैप कीजिएगा, देन ऑडियो में जाएगा, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं तब तक के लिए इसी सॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ, देन इसके लास्ट में चलेंगे। लास्ट में चलने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और लास्ट तक खींच लीजिएगा, मतलब जो शैडो दिए हैं उसे और पिक्चर जो है इसे। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, देन स्टार्टिंग में आने के बाद प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लिरिक्स आपका क्या है, मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आएंगे और स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो प्लस कहीं में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, देन यहाँ पर टाइप करेंगे मुझे, ठीक है। इसके लास्ट में और स्टार्टिंग में आप यहाँ पे कोई इमोजी वगैरह लगाना है, मतलब यहाँ पे जो ये वाला फॉन्ट में इफेक्ट देख सकते हैं, ये वाला आप लगा सकते हैं, जो फॉन्ट इफेक्ट होता है वो वाला टाइप का आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे मिल जाता है, इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं भी मिलेगा तो आप क्या कीजिए इमोजी वाले में चले जाइएगा। यहाँ में आपको टेक्स्चर वाले में चलने जाना है, यहाँ पे देखते काफ़ी सारे, तो आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं जो आपको सही लगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कोई सा अच्छा सा, ये वाला यहाँ पे सही लगेगा, तो इसे हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आ जाएंगे, इमोजी में जाएंगे और फिर यहाँ पे आप जो भी लेना चाहे उसे ले लीजिएगा। तो जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से इस तरह से स्पेस कर देते हैं, फिर अलाइन करेंगे, रोबोट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। उसके फॉन्ट आपको जो सिलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, मैं अभी यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो फोल्डर में चलते हैं, देन यहाँ पे फॉन्ट होगा, ये वाला फॉन्ट कहाँ चला गया, ये देख सकते हैं ब्लू येलो करके जो ये फॉन्ट है, ब्लू येलो ये वाला फॉन्ट है। तो 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी फॉन्ट था सब आ गया। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्लू, यहाँ पे ब्लू सर्च कर लेंगे, ठीक है। ओ सॉरी ये नहीं है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट है ब्लू येलो करके, तो इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसे थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको टेक्स्ट इसका बढ़ा कर रखना हो, तो मैं 40 रहने दे तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसका कलर जो यहाँ पे व्हाइट कर लेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट जो हमारा देखने को मिला, अभी इसे नीचे कर लीजिए कुछ इस तरह से, आप देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे इमोजी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहे, अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। इसे प्ले करके एक बार देख लेंगे फर्स्ट लाइन इसका वर्ड क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या क्या बोल देता हूँ गाइस। तो जहाँ तक इसका लिरिक्स है वहाँ तक इसे कर लीजिएगा, करने के बाद इसमें अब इफेक्ट देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, इसे थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं ताकि इफेक्ट देने में आसानी हो।
इफेक्ट में जाइएगा, ऐड फेड पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर एंड लाइट में चले जाना है, लॉन्ग शेडो करके इफेक्ट मिलेगा इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। करने के बाद इसका साइज जो है फ्रेंड्स 0.020 कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं कर दिया हूँ देख सकते हैं। इसका एंगल जो है रहने दीजिएगा, कलर यहाँ पे ब्लैक ही रहने दीजिएगा। इसके बाद अल्फा 10 है, सही है, यहाँ पे ये सब चीज़ सही है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देन लॉन्ग शेडो पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको ऐड फेड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऊपर सर्च करना है TURBU, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है ट्रूबिलेंट डिस्प्ले करके, ए वाला इफेक्ट, इसे सेलेक्ट करना है, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अभी आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, इसमें इफेक्ट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स वाई इसका देख सकते, तो एक्स को 24 कर दीजिए प्लस में, ठीक है, माइनस में मैं कर रहा था, इसे प्लस में कर लीजिएगा 24, ठीक है। इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको प्रीसेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोग चाहे तो प्रीसेट का यूज़ करें, अगर कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑप्शन देखते हैं, इस पर आइएगा, स्ट्रेंथ पे आने के बाद इसके दरमियान में आ जाइएगा बीचों बीच, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स ये देख लीजिए कितना पे, जीरो पे हमें करना है, तो पहले तो लास्ट में चलते हैं, की लगाते हैं, लास्ट वाला जितना उतना रहने दीजिएगा, स्टार्टिंग वाले पे आ जाइएगा और इसे जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। माइनस में होगा तो माइनस में नहीं कीजिएगा, बस इसे जीरो कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं माइनस था ही नहीं तो कोई परेशानी नहीं। अभी दोनों के बीच में आइए, कॉट पर क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा ऐसे जैसे मैं रख रहा हूँ, और फिर ये वाले को यहाँ पर पूरा नीचे कर दीजिएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद एबुलेशन पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा देना 4.67 तक इसे बढ़ा देना, ठीक है, 67 यहाँ पे कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा 67, ये रहा, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक्स वाई जो लास्ट में देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको स्केल का ऑप्शन आएगा, स्केल पे फिर से आना है और यहाँ पे नीचे आकर बीच में दरमियान में एक की लगाना है, फिर इसके लास्ट में जाकर एक की लगाना है। लास्ट में की जो लगाए हैं उसे आप कर दीजिएगा 3.32, ठीक है, 3.32 इसे कर लीजिएगा 32, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हम इतना पे रख लेंगे, इतना पे, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देन ये दोनों के बीच में आइए, कर्व वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, कर्व को एक यहाँ पे रख लीजिएगा और एक को यहाँ पे रख लीजिए, जितना उसे रखे थे उतना ही इसे भी रखना है, आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्ट्रेंथ दिखेगा, स्ट्रेंथ पर आपको क्या करना है गाइस, एक्स को यहाँ पे 0.01 कर देना है, ठीक है, 0.01 पूरा माइनस में, यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह से दिखेगा। देन वाई को क्लिक कीजिएगा, वाई को भी डाउन करना है और इसे 0.49 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे 49 कर लीजिए, ये थोड़ा सा कम हो गया ज़्यादा तो यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको सीड जो है इसका जीरो ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे ये सब सही है। आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं अक्टूबर का, इसे 1 कर दीजिएगा, देन जो जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब आगे नेक्स्ट इफेक्ट आपको देना है, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रूबुलेंट डिस्प्ले जो है इस पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। ऐड फेड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिस्टॉर्शन वाप में आना है, वेव आपको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। जैसे मेरा फ़ोन थोड़ा सा शायद लेग कर रहा है, शायद इफेक्ट की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं, फ़ोन में मेरे ज़्यादा मटेरियल भी हो सकता है उसकी वजह से भी। तो यहाँ पर वेव आपको क्लिक करेंगे, इसके स्टार्टिंग में अगर एक की लगा देंगे फेज पर और इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो 0.02 इसे कर लीजिएगा, फिर इसके लास्ट में आ जाइएगा पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर लास्ट में और प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद 1.19 इसे कर लीजिएगा, 1.19, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये रहा यहाँ पे देख सकते हो 1.19 इसे रख लीजिएगा। इसमें कोई कर्व नहीं देना है, एंगल जीरो ही रहेगा। यहाँ पे स्पेसिंग जो देख सकते हैं इसे कम कर देना है, 3.0 कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये देख सकते हैं 3.0 मैंने कर दिया। देन थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैग्नीट्यूड में जाएंगे, मैग्नीट्यूड में जाने के बाद 1.0 इसे कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा 1.0, ठीक है। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वेब आप 90 है ही, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो जैसे वैसे छोड़ दीजिए और वेब आप पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। ऐड फिर पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर आपको ब्लर में जाना है, गेसिन ब्लर को सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, दरमियान से थोड़ा पहले यहाँ पर इतना पे और गेसिन ब्लर को ओपन करके की लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे भी एक की लगाइएगा, इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 0.238 तक कर लीजिएगा, 0.238 यहाँ पे कर दीजिएगा, मतलब 38 ने 40 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 240 कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बीच में आ जाना है, यहाँ पे ये जो दरमियान वाला लगाए थे और इसे जीरो कर दीजिएगा। करने के बाद ये दोनों के बीच में आइए, कॉर्ड पे जाइए, कॉर्ड पे जाने के बाद गए यहाँ पे इसे रख लीजिएगा और इसे पूरा इधर कर दीजिए जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन यहाँ से बैक आना है, गेसिन ब्लर पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड फिर पे क्लिक करना है, सो गाइस ऐड फिर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन वाप में ही मिलेगा पिंच आउट करके, तो पिंच बॉल्स करके इफेक्ट है, इसे सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा, एक्स वाई को कुछ नहीं करना है, स्ट्रेंथ पे आ जाना है, स्ट्रेंथ पे आने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, एक की लगाइएगा, इसे प्लस में 0.20 कर लीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.20 कर देना है, देन इसके लास्ट में आ जाना है। सो इस लास्ट में आने के बाद यहाँ पे प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद इसे जीरो कर लीजिएगा, माइनस में नहीं जीरो करना है, परफेक्टली हम इसे जीरो रख लेंगे, ये रहा। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये कॉर्ड पे क्लिक कीजिए, कॉर्ड पे क्लिक करना इसे यहाँ पर रख लीजिएगा ऐसे, और इसे पूरा यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रख लेना, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन यहाँ से बैक आइएगा, रेडियस पर क्लिक कीजिए, रेडियस को पूरा फुल कर दीजिएगा, सॉरी पूरा फुल नहीं करना है, 1500 कर दीजिए, 1.500। ठीक है, थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं, 1.500 इसे हम रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और, ये रहा देख सकते हो 1.500। ठीक है, अब यहाँ पे पिंच आउट बल्ब पे क्लिक करना, बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन यहाँ पे इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे थोड़ा सा आपको बढ़ाकर 40 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसे 14 कर लीजिएगा। ठीक है, 14, फिर इसके लास्ट में आ जाएगा, पूरा लास्ट में जाइएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, देन प्लस करने के बाद इसे 96 यहाँ पे माइनस में कर देना है। ठीक है, देख सकते इफेक्ट कैसा लग रहा है, तो इसे पूरा 96 कर दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से थोड़ा सा और थोड़ा सा और एक पॉइंट, बस यहाँ पे ये हो गया। देन ये दोनों के बीच में ये कॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, और एक को यहाँ पे पूरा नीचे कर दीजिएगा, दूसरे को यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका जो लाइडिक्स गाइस देख सकते हैं, लाइडिक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसे हम सही करेंगे। अभी के लिए यहाँ से बैक आइएगा, स्पेसिंग लाइन जो है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसे भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 114 इसे भी कर दीजिएगा। ठीक है, 114.7 कर दिए थे मैंने, तो अब भी उसी के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतना रहने, तो ये बस ऐसे ही मैंने बढ़ा दिया, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो टेक्स्ट स्पेसिंग पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक्सपोजर गामा सेलेक्ट करना है, तो कलर लाइट में जाएगा, एक्सपोजर गामा को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, देन इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद 0.51 इसे कर लीजिएगा, 0.51 इसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये रहा। ठीक है, और जो जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अभी के लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, एडिटिंग में जाना है, देन एडिटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो गैप हम दिए थे उसे हटा देंगे, और ये पॉइंटर को थोड़ा सा आगे खींच लेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है, आप ले करके देखेंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन तो यहाँ पे इस तरह से गायब हो रहा है, तो सेकंड लाइन जब स्टार्ट होगा तभी इफेक्ट सही लगेगा देखने में। तो सेकंड लाइन के लिए आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, देन इस पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिएगा, देन प्ले करके चेक कर लीजिए सेकंड लाइन इसका वर्ड आपका क्या है, तुझ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ये वाली को सेलेक्ट करके आगे खींच लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे जो हटाना चाहते हो उसे हटा दीजिएगा, तो मुझे तुझ से, तुझ से। ठीक है, फिर इसके बीच में अगर कुछ आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे इमोजी में ही मिल जाता है, इमोजी से ही हम कुछ सा ले लेते हैं अच्छा सा देखने में जो लगे, तो चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आएगा, इसका भी लाइडिक्स का जो है, इसका लाइडिक्स है, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं इफेक्ट में मतलब परेशानी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंटर जो इसे थोड़ा सा खींच देंगे इस तरह से आगे, थोड़ा ज़्यादा ही खींच देते ताकि देखने में सही लगे। अब यहाँ पर प्ले करके एक बार चेक करते हैं, अब नेक्स्ट वाले के लिए फिर से इसी को सेलेक्ट कर दे, वाली ऑप्शन टैप करके कॉपी लेयर कर दे, देन इसके लास्ट में जाकर ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर करेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है उसे प्ले करके सुन लेंगे, कितना यहीं तक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, आगे का कट करेंगे, और यहाँ पे टाइप कर देंगे कितना, तो ये दोनों बीच वाला जो टेक्स्ट है उसे सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं कितना। ठीक है, अच्छे से हो गया, देन राइट क्लिक कर देंगे, अभी प्ले करके आप चेक कर सकते हैं इस तरह से इंटरफेस। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, देन स्टार्टिंग में ये प्लस करके में टैप कीजिए, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इमोजी आपको ऐड कर लेने हैं, जो भी इमोजी आप यहाँ पे लगाना चाहे तो वो इमोजी आप लगा लीजिए। तो मैं यहाँ से तब तक के लिए कुछ इमोजी को ले लेते, तो जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, अलाइन करते रोबोटेलो पे क्लिक करके आईएस वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करते, फिर इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, देन इसका कलर जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे ताकि हमारा लाइट्स दिख जाए। इसके बाद इस इमोजी को लेकर नीचे की तरफ यहाँ पर सेट कर देंगे, करने के बाद जो इमोजी है उसे पूरा लास्ट तक लेंगे, फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, स्टार्टिंग में प्लस का एक में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहां पे टाइप करेंगे YT, आप अपना यूजर नेम जो भी होगा उसे लगा लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MKSIMGH1051। गाइज ये मेरा यूजर नेम है, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे तो मेरा जो भी होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे गूगल पे ही आप सर्च करेंगे तो मेरे जितने भी मटेरियल है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे।
जो भी सोशल साइट वगैरह है। अब यहाँ इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे, देन इसके स्पेसिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सबसे लास्ट में रख लीजिएगा इस तरह से। फिर यहाँ से मूव करिएगा, कहाँ चला गया ये रहा, और मूव करके इसे नीचे की तरफ यहाँ पर सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर इमोजी को और इसे पूरा लास्ट कर लेना, यहाँ पर बीट लगा उसे हम हटाते हैं और ये टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करके लास्ट कर लेंगे, ठीक है। अब प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग फिनिश होगी, तो मैं इतना ही टाइम पे कंप्लीट करता हूँ इसे, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अभी इस वीडियो को जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे स्नोफॉल वाला इफेक्ट देना चाहते हैं या पार्टिकल कोई देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, देन ऊपर एरो दिखते हैं इस पर क्लिक करके एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, उसके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।